16 दिसंबर 2019 को विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम को लागू हुए पूरे 3 साल हो जाएंगे। यह अधिनियम UNCRPD को लागू करने के लिए एक भेदभाव विरोधी कानून है। संयुक्त राष्ट्र ने UNCRPD को 13 दिसंबर 2016 को ही अपना लिया था। RPD नियम को पारित होने में पूरे 10 साल लग गए। बहुत सारे आंदोलन के बाद फरवरी 2014 में बिल पेश किया गया था, क्योंकि इसमें ऐसे विभिन्न प्रावधान शामिल थे जो हमें स्वीकार्य नहीं थे। इसलिए हमने ये मांग की थी कि इसे जांच के लिए एक स्थायी समिति को भेजा जाए। बाद में हमें संशोधनों को पेश करने और इस अधिनियम को पारित करने के लिए लगभग 2 साल तक आंदोलन करना पड़ा। ये अधिनियम विकलांगता को एक अधिकार आधारित ढांचे के नजरिए से देखता है। समानता और गैर भेदभाव इसके मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये विकलांगों को इंसान के रूप में देखता है, जिन्हें समान अवसरों की आवश्यकता होती है, न कि दान पाने वालों के रूप में। इन सिद्धांतों को वास्तविक बनाने के लिए अधिनियम में विकलांग लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, एक्सेस, स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में मजबूत प्रावधान हैं। इसके अलावा इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी है। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी केवल 18 राज्यों ने एक्ट के नियम बनाए हैं। केंद्र और राज्य दोनों के नियमों में एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई नियम नहीं है। एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए NPRD और उसके सहयोगी 1 नवंबर 2019 से एक देशव्यापी अभियान का संचालन कर रहे हैं। इसका समापन संसद के शीतकालीन सत्र में 25 नवंबर 2019 को जंतर मंतर पर एक विशाल सभा में होगा। 25 नवंबर को जंतर मंतर पर देश भर के हजारों विकलांग एक दिन के धरने पर मुख्य मांगों को लेकर धरने पर बैठेंगे। सभी विकलांगों को सर्टिफिकेट और UDID फौरन दिया जाए। सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा दो, कानून के अनुसार आरक्षण दो और दूसरे प्रावधानों को लागू करो। निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण दो, कानून के हिसाब से 4% तक आरक्षण लागू करो, प्रमोशन में भी आरक्षण दो। 80% तक विकलांगों के लिए पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए और 80% से अधिक के लिए 5,000 रुपए लागू करो। सभी विकलांगों के लिए मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करो। सभी बीमा योजनाओं में विकलांगों को शामिल किया जाए। विकलांग अधिकार कानून के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाए। रेलवे पूरी तरीके से सुलभ बना दिया जाए। सभी ट्रेनों में विकलांगों के लिए कोच दिए जाए। रेलवे UDID को स्वीकार करे और अलग पहचान पत्र लागू ना करे। RPD कानून के अनुच्छेद 3(3) के भेदभावपूर्ण प्रावधान को निरस्त किया जाए। विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। यौन हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए। RPD कानून के आदेश अनुसार विकलांग महिलाओं के लिए प्रावधान किए जाए। सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में विकलांग सदस्यों को नामित किया जाए। RPD कानून और मानसिक स्वास्थ्य कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन किया जाए। विकलांग अधिकार कानून 2016 को लागू करो। विकलांग है हम, दिव्यांग नहीं।